नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। लोकप्रिय कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने बुधवार को दिल्ली के एम्स अस्पताल में 58 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वहीं राजू श्रीवास्तव के कानपुर स्थित मकान में माहौल गमगीन हो गया है। वहीं उनके बड़े भाई काजू श्रीवास्तव ने भी कुछ बोलने से इनकार कर दिया। इसे लेकर स्थानीय विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि राजू श्रीवास्तव जी का देहांत पीड़ादायक है। 2014 में जिसे बीजेपी कानपुर महानगर का मेरे अध्यक्ष रहते हुए मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का अवसर प्राप्त हुआ था। विधायक जी ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में ही वाराणसी से घोषणा करके स्वच्छता अभियान का उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर घोषित होने के बाद प्रथम नगर आगमन पर अध्यक्ष के नाते से उनका स्वागत किया था। तत्पश्चात उन्होंने नवीन नगर काका देव की बस्ती में जाकर स्वच्छता का एक महाअभियान चलाया था, जिसमें मंडल से लेकर बूथ स्तर तक के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं ने उनके साथ व्यवहारिक रूप से झाड़ू लगाकर सफाई की थी। विधायक जी ने कहा कि ऐसे कानपुर किसान एवं विश्व प्रसिद्ध हास्य कलाकार अपनी अद्भुत प्रतिभा से लोगों के हृदयों में जगह बनाने वाले मेरे अभिन्न मित्र राजू श्रीवास्तव जी के निधन से स्तब्ध व दुखी हैं। ईश्वर इस गोलोकवासी पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सब परिवार जनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करें। दोनों तरफ फोटो ले लो, अभी महीना भर लेना है तुम लोगों को। हम लोग दिमाग नहीं काम कर रहे यार, इंटरव्यू देंगे ये पहले सोचो, इंटरव्यू देख बताएंगे आराम कर रहे हैं। तुम आज आए हो भाई, डेढ़ महीने नहीं आए, एक बार नहीं आए, यहाँ आए हमको, यहाँ आए एक महीना हो गया, हमको यहाँ आए एक महीना हो गया। तुम आज आए हो पहली बार, जब तुमने दिल्ली पर मिला हमको, यहाँ आए एक महीना हो गया। चलो ऐसा भी होगा सबको पता चल जाएगा, अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। अभी 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 तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। नहीं नहीं, फिर आगे आगे ठीक है। आज राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया, सब जानकारी हुई और आप लोग क्या वहाँ जाएंगे? अभी आधे घंटे पहले सूचना आई है, यानी राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। दुखद घटना है, पूरा देश माननीय राजू श्रीवास्तव जी के लिए दुआ कर रहा था। हम सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी की लंबी आयु के लिए कामना कर रहे थे। माननीय राजू श्रीवास्तव जी हास्य जगत में, पूरे विश्व में उन्होंने कानपुर का नाम रोशन किया। हमें आज शब्द नहीं है कि राजू श्रीवास्तव जी के लिए इतने महान व्यक्ति थे, इतने लोगों की हेल्प करते थे, हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। कभी भी उन्होंने उनके साथ रहो तो जैसे वो एक सेलिब्रिटी थे, उसी तरीके से एक आम आदमी को सम्मान देते थे। क्या पार्थिव शरीर कानपुर लाए जाएंगे? अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, जैसी अगर कोई भी अपडेट होगा तो आप लोगों को बताया। हाँ, परिवार जो है वो दिल्ली जा रहा है, अभी दिल्ली जा सकता है परिवार, अभी डिसाइड किया जा रहा है। अभी ये भी नहीं बोला जा सकता है, अभी जो भी चीज़ें होंगी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि लखनऊ जाएंगे कि दिल्ली जाएंगे कि कानपुर आवास पे आएंगे, जो भी चीज़ें होंगी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। दोनों तरफ फोटो ले लो, अभी महीना भर लेना है तुम लोगों को। हम लोग दिमाग नहीं काम कर रहे यार, इंटरव्यू देंगे ये पहले सोचो, इंटरव्यू देख बताएंगे आराम कर रहे हैं। डेढ़ महीने तुम आज आए हो भाई, डेढ़ महीने नहीं आए,
एक बार नहीं है। यहाँ आए हमको यहाँ आए एक महीना हो गया, हमको यहाँ आए एक महीना हो गया। तुम आज आए हो पहली बार, जब तुमने दिल्ली कर लिया हमको यहाँ आए एक महीना। चलो हैं, जैसा भी होगा सबको पता चल जाएगा। अभी आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, अभी 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 तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। नहीं नहीं फिर आगे आगे ठीक है। पर लोक भवन आए, एक घंटे का उन्होंने अपना वो शो दिया और उसके बाद वो बंबई चले गए। मेरी उनसे मुलाकात लोक भवन में राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान अंतिम बार हुई थी। मैं बहुत अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनको अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूं और बहुत ही हम सब लोग दुखी हैं। ईश्वर हम सब परिवारिक जनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करे और ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे। हम सब लोग काफ़ी दुखी हैं, बहुत ही स्तब्ध हैं।